असम के डिब्रूगढ़ शहर में समीपवर्ती अंचल मोहना घाट में ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव से भूमि कटाव के कारण दो घर नदी में समा गए। बांध के नजदीक बसे मोहना घाट इलाके में नदी के तेज बहाव से भू कटाव शुरू हो गया, जिसके चलते दो घर पूरी तरह नदी में समा जाने के साथ ही कई घरों के हिस्से भू कटाव की चपेट में आ गए। भू कटाव से मात्र कुछ ही मीटर दूर बनाए गए डिब्रूगढ़ शहर के लिए जीवनदायिनी बांध पर खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते ही ANT विभाग ने रातों रात उन पीड़ितों को स्थानांतरित करते हुए पार्को पाइन की व्यवस्था करने में जुट गया है। डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन ने पीड़ितों के साथ अस्थायी रूप से रहने तथा खाने की व्यवस्था के साथ ही उस इलाके को भू कटाव से सुरक्षित करने के लिए संबंधित विभाग के साथ रात से ही जुट गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि डिब्रूगढ़ वासियों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर उक्त इलाके में बार बार भू कटाव को लेकर विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने से लोगों में रोष है। इस वर्ष असम महाबहु ब्रह्मपुत्र नदी के तांडव से गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। মোহনাঘাটত আজি যি যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 7:30 বজাত এটা ডাঙৰ খহনীয়া ইৰোচনৰ এটা ব্যৱস্থা হৈছিল, কালি খহাইছিলে। তাৰ কাৰণে ৰাতিয়ে আমি ব্যৱস্থা কৰি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো অভিযন্তা আহি আমি এইখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কৰি থকা হৈছে আৰু আজি অলপ দেৰি পাছত নাও আহিব। নাও দি পেলাই আমাৰ নাৱেদি ইয়াত আমাৰ পাৰ্কো পাইন লঞ্চ কৰিম আৰু তাৰপাছত ইয়াত আমি জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। কাৰণ এইটো হ'ল যিটো পানীটো বাঢ়িছিলে স্পাৰ 7 নম্বৰ স্পাৰৰ ডাউন ষ্ট্ৰিমত এটা স্কাউলিং হয়, এটা পকনীয়া এটা পৰে। সেই পকনীয়াটোৰ ফলত এইখিনি হৈছিলে। আমি এইখিনি সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছে কোনো খহনীয়াৰ ব্যৱস্থা মানে হোৱা নাই, সব ঠিক হৈ আছে। আৰু মই ডিব্ৰুগড়ভাৱে আশ্বস্ত কৰিছোঁ, আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এই DTP ডাইকটো, এই 8 কিলোমিটাৰ DTP ডাইকৰ যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এটা লাইফ লাইন, এই ডিব্ৰুগড়খন প্ৰটেকশ্যন কৰি দিছে।
কোনো ধৰণৰ ভাবুকি অহা নাই, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। মই ডিব্ৰুগড়বাসীক আশ্বস্ত কৰিছোঁ, অসমবাসীক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি পাৰ্কপাইনৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰি এইখিনি সম্পূৰ্ণ পাৰ্মানেণ্টলি আমি চল্ভ কৰি দিম। हाँ, डिब्रुगढ़ जो शहर है उसके पास ही जो मोहना घाट है, मोहना घाट के कल रात से करीब 7 बजे से रात के इरेजन शुरू हुआ है और अभी तक जो 6 फैमिली है उनका जो घर है उनका सारा सामान अभी नदी में बह गया है। और देखा जाए तो अभी लोग कोशिश कर रहे हैं इस इरोजन को रोकने के लिए, अगर इसको रोका नहीं गया तो डिब्रुगढ़ शहर के लिए खतरा हो सकता है, या डिब्रुगढ़ का जो ये डाइक है DTP डाइक जो डिब्रुगढ़ के प्रोटेक्शन के लिए है उसको भी बहुत क्षति हो सकता है, वो भी बह सकता है नदी में। आज देखा गया है यहाँ का जो लोकल विधायक है, यहाँ के जो लोकल DC है, सभी लोग यहाँ पे आए हैं, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का लोग भी यहाँ पे आए हैं, वो लोग जियो बैग डाल रहे हैं, पपोकन डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस इरोजन को रोकने के लिए। देखते हैं बाद में कैसा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो नदी का रूप है पानी बढ़ रहा है और इसके वजह से डिब्रुगढ़ के लिए बहुत अभी खतरा है। कितने घर गए अभी तक इसमें? इसमें अभी तक कल रात से अभी तक 6 घर पूरा का पूरा 6 घर बह गया है। जो वहाँ पे जो फैमिली लोग थे वो लोग खाली अपना जान बसा के वहाँ से भाग गए हैं, उनका जो सामान था वो सभी सामान लेकिन नदी में बह गया है। और देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर ही जो ये घर था वो 6 के 6 घर बह गया, जिसके लिए उन लोगों को टाइम नहीं मिला अपना सामान ले जाने के लिए। अभी वो लोग जो DTP डाइक है, जो यहाँ का जो सुरक्षा बांध है उसके ऊपर ही वो लोग रह रहे हैं। और अभी जो DC आए थे सुबह और MLA आए थे, उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों का कुछ व्यवस्था कर देंगे उस ऐसा रहने के लिए अभी टेम्पोररी, बाद में उन लोगों को क्षतिपूरण भी मिलेगा। और देखा जाए तो डिब्रुगढ़ के शहर के आसपास बहुत सारी जगहों में ऐसा इरोजन हो रहा है जो डिब्रुगढ़ के लिए बहुत खतरा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है आपको, क्या बोल सकते हैं? अभी मौसम का सीज़न है, अरुणाचल में भी बहुत बारिश हो रहा है और ऊपरी असम के भी बहुत सारी जगह में बारिश अभी हो रहा है और इसके लिए नदी में पानी बढ़ रहा है। और देखा जाए तो नदी में पानी बढ़ने से खतरा नहीं है, जब पानी स्वच्छ सूखता है तभी इरोजन होता है, ये नदी में देखा जाता है। और अगर समय रहते ही कुछ व्यवस्था नहीं किया गया तो हो सकता है ये और बढ़ेगा और ये क्षति करेगा। पुआ राति 7:15-20 मानत तत्ना तमाने फकनिया गोटे घर तो 5 मिनट लग गई, 5 মিনিটতে লৈ এনেকুৱাকে নিলে খহনীয়াটোৱে, একো বস্তুৱে আমি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, একো বস্তুৱে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। তেওঁলোকে অকল মানুহখিনি যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, মানুহখিনি উদ্ধাৰ কৰি অকল মানুহখিনিক উলিয়াই তেওঁলোকে যি পাৰে হাতত লৈ আধা বস্তু লৈ মথাউৰিৰ ওপৰত, মথাউৰিৰ ওপৰত অহাৰ তাৰপিছত প্ৰশাসনক লগে লগে খবৰ দিয়া হ'ল, তেওঁলোক আহিছে, তৎক্ষণাতটো আহিব নোৱাৰে, 10-15 মিনিট অলপ দেৰি হৈছে, আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যি সুবিধা এইবোৰ কৰি দিছে। ছাৰে তেওঁলোকৰ ৰাতি থাকিবলৈ টেণ্ট এটা বনাই দিলে, ৰাতি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, এতিয়াও খোৱাৰ যোগান দি গৈছে, আকৌ এতিয়া তেওঁলোকক পিছফালে নিয়ে আছে, তেওঁলোকৰ বয় বস্তু নি স্কুলত, এখন LP স্কুল হাই স্কুল আছে, হাইস্কুলখনত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিমান টোটেল 6টা পৰিয়াল আছে, 6টা পৰিয়ালৰ 2টা পৰিয়ালৰ একেবাৰে গুচি গ'ল। নামকেইটা যোৱা সেই দুটা যিকেইটা গৈছে, এটা নিৰেণ বৰা, তাৰপিছত এটা হ'ল ৰাজেন্দ্ৰ লাস্কাৰা, আৰু বাকী 4টা হ'ল জিন্তু ভূঞা, তাৰপিছত বিকাশ দুৱাৰা, তাৰপিছত আকৌ লাৱণ্য চাংমাই, আৰু এজন হ'ল বিজয় চৌহান। মোহনাঘাট, ডিব্ৰুগড় মোহনাঘাট।